गुरुग्राम जिला के चारों विधानसभा में गुरुग्राम विधानसभा सीट अब और हॉट होती जा रही है। गुरुग्राम विधानसभा सीट बीजेपी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बीच अब इस सीट पर बीजेपी नेता मुकेश शर्मा ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। मुकेश शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके पर साफ कर दिया है कि वो बीजेपी पार्टी के लिए पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं और अब उनका हक भी बनता है कि उन्हें गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी दे। मुकेश शर्मा ने यह भी दावा किया है कि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे जिले की चारों विधानसभा में उन्हें लोगों का समर्थन है। गुरुग्राम विधानसभा में अभी बीजेपी से सुधीर सिंगला विधायक है और मुकेश शर्मा गुरुग्राम से एक मजबूत दावेदार भी हैं। पवन सोनी, पवन जी, आप मुकेश शर्मा जी का जन्मदिन है, किस तरह से देखते हैं गुरुग्राम विधानसभा के लिए एक उम्मीदवार के तौर? सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम मुकेश भाई की टीम से, मैं पवन सोनी राजेंद्र पार्क से, हम सब ने आज जन्मदिन की भरपूर तैयारी करी और पूरे विधानसभा से हजारों लोगों ने आके भाई साहब को अपनी शुभकामनाएं दी और आज ये दिखा दिया है गुड़गांव के लोगों को कि जिस दिन भी भाई का चुनाव होगा, एक एक वार्ड से, एक एक बूथ से हम डब्बे को पूरा पूरा भर के, ईवीएम मशीन पूरी पूरी भर के अपने इलाके से भेजेंगे और मुकेश भाई को 2024 में अगला जन्मदिन जब हम मनाएंगे तो विधायक के रूप में हम इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद। आप बनाओ ना, क्या नाम आपका? श्याम। आशा भाई, किस तरह से देखते हैं मुकेश पहलवान की उम्मीदवारी को गुरुग्राम के लिहाज से? उम्मीदवारी तो जी जनता के बल पे है और जनता ने जो प्यार हमारे को दिया है, 2009 में टिकट पार्टी ने दी थी, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पे भाजपा में अगर कोई सक्रिय नेता और एकमात्र नेता है, जनता की डिमांड पे कोई है तो एकमात्र मुकेश पहलवान जी हैं, जो कि आपके 20 से 25 साल हो गए लगातार ग्राउंड पे रहते हुए। उम्मीदवारी जी हमारी तो जनता ताकत है, हमारी जनता जिसको चाहे वही MLA है। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता वर्मा। सुनीता जी, किस तरह से देखते हैं मुकेश शर्मा की? मुकेश भाई बहुत ही मेहनती और साथ देने वाले इंसान हैं। हम 2 साल से उनके साथ ही हैं। हम देखते हैं कि जिसको भी जरूरत होती है भाई वहीं पहुंच जाते हैं। हम तो यही कहते हैं कि अब की बार गुड़गांव में मुकेश भाई को ही आना चाहिए। जैसे किसी चीज़ की, जैसे शादियों में भी हमने देखा है कि जो गरीब घर के लड़कियां हैं उनको कन्यादान भी दे के आए हैं भाई, हम साथ गए हैं, गरीब बच्चों को स्वेटर्स वगैरह भी बांटे हैं, मतलब हर तरह की मदद करते हैं। जो भी है हर चीज में, जिसको भी जहाँ जो बुलाता है वहीं पहुंच जाते हैं भाई, कभी मना नहीं करते हैं।